नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पहले शब्द यही थे कि मैं एक स्टंटमैन पहले हूँ और एक एक्टर बाद में। सबसे पहले जब इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहले मैंने सिर्फ एक्शन ही किया। करीबन 9 साल मैंने 10 साल कंटिन्यूसली सिर्फ एक्शन ही करता। कभी कोई फिल्म एक्शन की बनाता तो बोलता यार एक उस लड़के को ले ले, वो अक्षय है ना, उसको ले लेते हम। एक्टिंग की बारी आती तो कोई नहीं लेता, एक्शन की बारी आती तो ले लेते। लेकिन वही एक्शन ने मुझे आज जिस मुकाम पे मैं हूँ उस एक्शन ने ही मुझे पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं जितने भी स्टंटमैन हैं, जितने भी फाइट मास्टर, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि भैया आज आप लोगों ने जो कुछ मैं हूं आप लोगों ने दिया। हाँ, मैंने खुद स्टंट्स बहुत किए, लेकिन सिखाया किसने? आप लोगों ने सिखाया। सबसे ज़्यादा मैं पांडा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे मैं बात कर रहा था कि मैं कोई अस्पताल चाहता हूँ जहाँ कभी फाइटर्स को कभी लग जाए तो कोई अस्पताल मिल जाए जहाँ वो जा सकें। करते करते फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि इंश्योरेंस नहीं होता क्या यहाँ? मैं बोला नहीं सर, हमारे फाइटर्स के उसमें एसोसिएशन में कोई इंश्योरेंस नहीं लेता, क्योंकि देयर जॉब इज़ वेरी हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क का काम करते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस होते नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा मुझे कि चल अक्षय, लेट मी ट्राई एंड गेट इंश्योरेंस फॉर फाइटर्स एसोसिएशन, फॉर फाइटर्स। सो दैट, इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। आज इनके खुले दिल की वजह से बिना हार्ट सर्जरी करके इन्होंने कितने फाइटरों के हार्ट्स को बचाया है, ये यही जानते हैं। और साथ में और किसका रह गया शुक्रिया अदा करना? खत्म हो गया ना? उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? अभी तक जिंदा हो? अरे वाह वाह, काला चश्मा क्यों पहन रखा? आपको बताऊं, अगर कभी कैमरा घूम सकता तो उस्मान भाई बहुत सबसे पुराने फाइटर में से हैं। जो लाल टी शर्ट जो उन्होंने तब 26 साल पहने पहनी थी, आज भी वही पहनी हुई है। ये कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, क्योंकि ये रात को फ्रिज में जाके सोते हैं। देखिए, मैं सभी मीडिया वालों को यही कहूंगा कि हम फाइटरों के बीच में और हम आर्टिस्टों के बीच में बहुत प्रेम, बहुत लगाव है। हम ऐसे ही मस्ती करते हैं, ऐसे ही वक्त बिताते हैं, ऐसा ही काम करते हैं। और आज जितने भी एक्शन सब ये सब देखते हो, ये सब इन्हीं की बदौलत से है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ टू youtube.com/biscuittv।